नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज राजगुरु। विजयछोड़ा सक्सेस मंत्रा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे साइंस के कुछ एक प्रमुख क्वेश्चंस की, जो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। पहला क्वेश्चन है, इन द हैवी व्हीकल्स डीजल इज यूज्ड एज अ फ्यूल बिकॉज, और आंसर आएगा ऑप्शन सी, इट हैज़ मोर माइलेज एंड सेफ फॉर द इंजन। तो हैवी व्हीकल में डीजल प्रयोग करने का एक ही मकसद है, क्योंकि यह माइलेज ज़्यादा देता है और इंजन के लिए सुरक्षित है। और बात करें डीजल और पेट्रोल की, तो दोनों पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं और पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है प्रभाजी आसवन विधि यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, आइसोप्रीन। तो प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है, रबर निकलता है रबर प्लांट के लैटेक्स से। What is the pH of pure water? शुद्ध पानी का pH कितना होता है? सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, 7। तो शुद्ध पानी न्यूट्रल होता है यानी उदासीन, उसका pH होता है 7, जबकि 0 से 6.9 तक होता है एसिड और 7.1 से 14 के बीच में होता है बेस। द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ विनेगर, सिरके का प्रमुख घटक है, सही जवाब है ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड विनेगर यानी सिरके का प्रमुख घटक होता है, जबकि एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है विटामिन सी को, और सिट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। द मेटल प्रेजेंट इन विटामिन बी ट्वेल्व में पाया जाने वाली धातु कौन सी है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, कोबाल्ट। तो इकलौता विटामिन है विटामिन बी12 जिसमें धातु पाई जाती है कोबाल्ट। बर्मी कंपोस्ट इज अ, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर यानी कार्बनिक बायो उर्वरक। तो बर्मी कंपोस्ट जिसे केचुए खाद भी बोला जाता है, इसका निर्माण करते हैं केचुए यानी अर्थवॉर्म। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज, कोशिका की आत्मघाती थैली बोला जाता है, सही जवाब है ऑप्शन डी, लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को बोला जाता है कोशिका की आत्मघाती थैली यानी सुसाइडल बैग। जब भी सेल की डेथ हो जाती है तो लाइसोसोम उसे एनगल्फ करके उसे नष्ट कर देता है, उसे ठिकाने लगाता है, जबकि राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कोशिका का शक्ति ग्रह, जहाँ पर ग्लूकोज टूटता है ATP में, और DNA को बोला जाता है अनुवांशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्रों को बोला जाता है अनुवांशिकी के वाहक व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस। पेयर ऑफ रिब्स फाउंड इन मैन, पुरुषों में पसलियों के कितने जोड़े पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन डी, 12। तो रिब केज में कुल 12 जोड़े यानी 24 पसलियाँ पाई जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पसलियों का स्ट्रक्चर, जो कि हमारे इंटरनल ऑर्गेनिक लंग्स और हार्ट इत्यादि को सुरक्षित रखता है। डायनासोर वॉज, डायनासोर क्या था? इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन बी, रेप्टाइल यानी सरीसृप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायनासोर जो कि अब इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, रेप्टाइल्स के ग्रुप में शामिल था। व्हाट इज MRI? MRI क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। द कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, TB का कारण क्या है? सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, बैक्टीरिया जिसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस, और बैसिलस होते हैं रोड शेप्ड बैक्टीरिया। इंसुलिन इज अ काइंड ऑफ, इंसुलिन एक प्रकार का है, सही जवाब है ऑप्शन सी, हार्मोन। तो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि पैनक्रियाज यानी अग्न्याशय से निकलता है, और इसका कार्य होता है रक्त यानी ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करना। प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड इज कॉल्ड, पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? और सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और पत्ते का रसोई घर बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को, जिसमें पाया जाता है हरे रंग का पिगमेंट क्लोरोफिल। बाइल इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बींग्स इज द, मानवों में पित्त का संग्रह कहाँ पर होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। बाइल का काम होता है फैट को इमल्सीफाई करना, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिवर के ठीक साथ अटैच्ड होता है गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय। ह्यूमन स्किन इज अ, मानव की त्वचा क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑर्गन। तो मानव की त्वचा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है, और त्वचा के अध्ययन को बोला जाता है डर्मेटोलॉजी। अ सीड इज राइपंड, एक बीज पका हुआ है, सही जवाब है ऑप्शन बी, बीजांड। तो बीजांड यानी ओव्यूल को बोला जाता है सीड, जबकि पकी हुई ओवरी को बोला जाता है फ्रूट। टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ऊंचा वृक्ष है, सही जवाब है ऑप्शन सी, सिक्वोया। तो सिक्वोया एक जिम्नोस्पर्म है, तो जिम्नोस्पर्म यहाँ पर आप देख सकते हैं सिक्वोया दुनिया का सबसे ऊंचा वृक्ष, जबकि एंजियोस्पर्म में बात करें तो एंजियोस्पर्म में यूकेलिप्टस यानी सफेदा सबसे ऊंचा वृक्ष।
व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ग्रोइंग सेवरल क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स, अनेक प्रकार की फसलों को उगाना और साथ ही साथ पशुपालन, इन दोनों चीजों को बोला जाता है मिश्रित कृषि। अर्थवर्म इज कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड बिकॉज, कृषक का मित्र कहलाता है क्योंकि, सही जवाब है ऑप्शन ए, इट मेक सॉइल पोरस, क्योंकि ये मृदा को रंध्रमय बनाता है, उसको उलट पुलट करता है ताकि उसके अंदर प्रॉपर एरेशन हो सके, ऑक्सीजन का संवहन हो सके। सैफ्रॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ प्लांट, पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन सी, स्टिग्मा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ सैफ्रॉन फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। Which one of the following is responsible for the stimulating effect of tea? तो इसमें से कौन सा चाय के उत्तेजक प्रभाव के लिए जिम्मेवार है? और इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन ए, एल्कलॉइड, और चाय के अंदर पाया जाने वाला एल्कलॉइड जिसका नाम है निकोटिन। चाय के अंदर पाया जाने वाला एल्कलॉइड है निकोटिन, जबकि कॉफी के अंदर पाया जाता है कैफीन। पश्मीना वूल फेमस फॉर इट्स वार्मथ इज ऑब्टेन फ्रॉम, पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्मीना बकरी, ऑप्शन ए, पश्मीना गॉट। यह किस्म पाई जाती है तिब्बत और भारत के जम्मू कश्मीर के लेह लद्दाख क्षेत्र में। तो पश्मीना ऊन काफ़ी मुलायम ऊन होती है, जिसकी फेमस कश्मीरी शॉल्स यानी पश्मीना शॉल्स काफ़ी हाई रेट्स पर बिकती है, और इस शॉल का प्राइस होता है जनरली मार्केट में 50 से 60 हज़ार के बीच में। तो ये था आज का टॉपिक, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, मनोज राजगुरु सक्सेस मंत्रा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो कृपया लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।